अजमेर के शास्त्री नगर चुंगी चौकी के नजदीक रिहायशी इलाके में स्थित मकान में चल रहे अमोल एजेंसी में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से प्लास्टिक के सामान में आग लगने के कारण अंदर के फ्रिज और अन्य सामान भी जलकर खाक हो गए। आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया, जिसके कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग का गुबार कॉलोनी में दूर से ही देखा जा सकता था। मामले की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां और किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लेते हुए आग पर जल्द काबू पाने के प्रयास किए। 2 से 3 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया, लेकिन इस आग के कारण से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में अपना अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। रिहायशी इलाकों में लगी इस आग के कारण क्षेत्रवासियों की चिंता बढ़ गई। स्थानीय कॉलोनी के अध्यक्ष ने बताया कि पास में गैस का गोदाम है और इस तरह से आग लगातार ती रही तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्षेत्र में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी को अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाना चाहिए, इसे लेकर स्थानीय प्रशासन से मांग की गई है। ये शास्त्री नगर विस्तार का पोस्ट ऑफिस के पसारने वाली जगह है। ये आइसक्रीम का सेंटर है, तो यहाँ काफ़ी बिजली का पावर रहता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण लगता है आग लग गई है। पास में ही हमारे गैस सिलेंडर का गोडाउन है, ये कभी भी रिस्की हो सकता है। और हम गैस से रेजिडेंशियल एरिया से गैस गोदाम और ये इस तरह की चीज़ें जो भी इंडस्ट्रियलाइज चीज़ें हैं, कॉमर्शियल चीज़ें हैं, इनको प्रशासन को चाहिए कि इनको बाहर करें। कभी कोई बड़ा हादसा हो गया तो बाद में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जो जान माल का नुकसान हो गया वो वापस नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी प्रशासन से अपील है कि इनको कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो भी है वो शहर से बहुत दूर रखी जाए। ये अमूल आइसक्रीम का गोदाम है, इसमें आग लगी है। थाने पे अभी कंट्रोल रूम से इतला मिली थी कि शास्त्री नगर में कहीं अमूल की एजेंसी है, उसमें आग लग गई। तो यहाँ मौके पे हम आए थे और अग्निशमन की गाड़ियाँ आ गई, आग पे कंट्रोल कर लिया है। जनहानी कोई हुई नहीं है और बाकी नुकसान कितना हुआ है अभी पता करेंगे। किस तरह आग लगी? शॉर्ट सर्किट से आग लगना बता रहे हैं। अमूल की एजेंसी थी ये, किसका नाम? ये टिकम जी के घर में शायद ये है। अभी जनहानी कोई है नहीं और नुकसान कितना हुआ है ये आकलन किया जा रहा है। अभी पार्टी कही है कि आग बुझा दी गई है, ये अभी मौके पे और जारी है, जो भी चेक कर रहे हैं और कितना नुकसान हुआ है। आपका नाम?